हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पढ़ रहे थे दुष्यंत कुमार जी को, तो इसमें हमने पढ़ा था कि 1 सितंबर 1933 में दुष्यंत कुमार का जन्म हुआ था और ये आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य के कवि थे और भारत में 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ हिंदुस्तानी कवियों में इनकी गिनती होती थी। एक नाटककार, साहित्यिक कवि और गज़ल लेखक थे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो दुष्यंत कुमार जी हैं वो एक गज़ल गायक के रूप में बहुत अधिक फेमस हुए थे, जिसे हमने पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा था। अब हम इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का जन्म कब हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था, जैसे कि मैंने भी बताया, इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की जन्मस्थली कौन सी है? तो जन्मस्थली जहाँ ये पैदा हुए वो था नवादा, जो कि बिजनौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार की मृत्यु कब हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो थी 31 सितंबर 1975, जो कि एक हृदयाघात से हुई थी और 42 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और क्योंकि और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो भोपाल में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दुष्यंत कुमार थे, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये किस प्रकार के जो रचना इन्हें करते थे उसमें किस प्रकार के कवि या लेखक माने जाते थे। तो इसमें इनके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे कि पहला क्वेश्चन तो है कि कविता और गज़ल लेखक और नाटककार, उपन्यास और कहानी लेखक। तो वो हर सभी प्रकार की जो विधाएं हैं वो उन्होंने लिखी हैं, तो ये हर एक विधा से संबंधित लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार का एमबी में विषय क्या था? तो इन्होंने जो अपना एमबी किया था वो हिंदी विषय से ही किया था। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार ने एमबी किया, मतलब यहाँ पे इन्होंने विश्वविद्यालय पूछा है कि कौन से विश्वविद्यालय से जो है इन्होंने एमबी किया था। तो इन्होंने जो एमबी किया था वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार कविताएं लिखते थे, मतलब किस भाषा में कविताएं लिखा करते थे? तो इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो हैं हिंदी व उर्दू में, यानी कि ये दोनों ही भाषाओं में कविताएं लिखा करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपन्यास दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, झांसी की रानी, ये इनके द्वारा रचित नहीं है। इसके अलावा छोटे छोटे सवाल, दोहरी जिंदगी और आंगन में एक वृक्ष, ये तीनों इनकी द्वारा ही रचित रचनाएं हैं। अगला है, दुष्यंत कुमार की किस कृति को सर्वाधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई? तो इनकी जो कृति है वो है एक कंठ विषपाई, जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी और उसी की वजह से ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुष्यंत कुमार के बारे में क्या सच नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा गया है, ये सत्य नहीं है, जबकि उन्होंने अनेक नाटक, कविताएं, गज़ल और लघु कहानी लिखी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ऑप्शन सी, उन्होंने नए पत्ते समाचार पत्र में कार्य किया, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी, वे मध्य प्रदेश की आकाशवाणी में रहे, ये भी बिल्कुल सही है। अगला है, एक कंठ विषपाई नामक जो इनकी रचना है, जो एक प्रयोगवादी काव्य संग्रह है, इसके रचयिता कौन है? तो इसकी जो रचयिता है वो है दुष्यंत कुमार। अगला है, दुष्यंत कुमार को हिंदी में किस रूप में याद किया जाता है, मतलब किस विधा में मुख्य रूप से ये जाने जाते हैं? तो ये गज़लकार के रूप में ज़्यादा इन्हें याद किया जाता है, कि एक गज़ल के रूप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। अगला है, एक कंठ विषपाई की कथा आधारित है, मतलब इसकी जो कथा है वो किस पर आधारित है? कौन सी पौराणिक जो एक कथा है, आख्यान है, दक्ष शिव सती, उस आख्यान पर ये एक इनकी ये रचना आधारित है। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार का जन्म स्थान कहाँ है? तो इनका मतलब जन्म स्थान कहाँ स्थित है? इनका जन्म स्थान नवादा जो है वो बिजनौर ज़िले में है। नेक्स्ट है, किस रोग से दुष्यंत कुमार की मृत्यु हुई? तो जैसे मैंने बताया आपको, ये है हृदयाघात से इनकी मृत्यु हुई, जिसे इंग्लिश में हार्ट अटैक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में दुष्यंत कुमार की मृत्यु हुई? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में इसलिए क्योंकि इनका जो कार्य क्षेत्र था वो मध्य प्रदेश ही था, यानी कि इन्होंने जो भी कार्य किए, जितना भी अपना साहित्य संबंधित कार्य किया वो मध्य प्रदेश में रहकर ही किया, इसलिए ही ये उस वक्त भी वहीं थे और वहीं इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है, किस समाचार पत्र में दुष्यंत कुमार ने कार्य किया? तो उन्होंने जो कार्य किया वो था नए पत्ते,
जो कि उस वक्त की बहुत ही फेमस पत्रिका थी। दुष्यंत कुमार की पत्नी का नाम क्या था? तो उनकी जो पत्नी का नाम था वो था राजेश्वरी त्यागी। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार का काव्यात्मक नाटक कौन सा है? तो उनका जो काव्यात्मक नाटक है वो है एक कंठ विषपाई। नेक्स्ट है, कविता संग्रह है, मतलब इन चारों ऑप्शन तीनों जो इनकी रचनाएं हैं इसमें से कविता संग्रह कौन सी है ऐसा पूछा गया है। तो इसमें सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन, वसंत, ये तीनों ही जो हैं वो काव्य संग्रह हैं। नेक्स्ट है, अब इस तालाब का पानी बदल दो, इस पंक्ति के द्वारा दुष्यंत कुमार ने व्यंग्य किया है, मतलब इस पंक्ति के द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, किस पर उन्होंने कटाक्ष किया है? तो वो है भ्रष्ट शासन व्यवस्था पर। अगला है, ये कमल के फूल कोमलाने लगे हैं, काव्य पंक्ति में कमल के फूल किस चीज़ का प्रतीक है? तो कमल के फूल जो प्रतीक है वो है साधारण जन के। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार अपार श्रद्धा रखते थे, किस पर अपार श्रद्धा रखते थे? तो वो थे गांधी जी, क्योंकि हर एक जो इंसान है वो किसी ना किसी से प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा उनके विचारों से सहमत होता है। तो दुष्यंत कुमार जो है उनके व्यक्तित्व पर जिसकी बहुत ज़्यादा छाप दिखाई देती है, जो बहुत ज़्यादा जिससे प्रभावित हैं वो है गांधी जी। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार के विचार में व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मतलब कौन कर सकता है? तो उनके विचार में व्यवस्था परिवर्तन जो कर सकता है वो है नवयुवक। नेक्स्ट है, हिंदी कविता के क्षेत्र में उर्दू भाषा की किस विधा ने प्रवेश किया है? तो हिंदी कविता के क्षेत्र में उर्दू भाषा की जो गज़ल है उन्होंने प्रवेश किया है, मतलब गज़ल जो है वो उर्दू भाषा की विधा है लेकिन उसे हिंदी के क्षेत्र में लाया गया है कवियों द्वारा। नेक्स्ट है, हिंदी कविता का प्रतिनिधि गज़लकार कौन है? तो उनका प्रतिनिधि गज़लकार है दुष्यंत कुमार। अगला है, निम्न में से किसने अपनी गज़लों में पारंपरिक कथ्य को बदला और समसामयिक विसंगति तथा व्यवस्था के बाह्य आडंबरों पर गज़ल के माध्यम से प्रहार किए? तो वो थे दुष्यंत कुमार, जिन्होंने कि अपनी गज़लों के माध्यम से व्यवस्था विसंगतियों पर और बाह्य आडंबरों पर कटाक्ष किए, उन पर प्रहार किए। नेक्स्ट है, यहाँ पे कोटेशन दी गई हुई है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियाँ, हमें मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। ये शेर किसका? ये शेर जो है वो दुष्यंत कुमार जी का ही है। नेक्स्ट है, साय में धूप के लेखक कौन है? तो साय में धूप के लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी। नेक्स्ट है, एक कंठ विषपाई दुष्यंत कुमार की किस विधा की रचना है? तो ये एक काव्यात्मक नाटक है उनका, और अगला जो क्वेश्चन है वो है, दुष्यंत का सुप्रसिद्ध गजल संग्रह कौन सा है? उनका जो सुप्रसिद्ध गजल संग्रह है वो है साय में धूप। नेक्स्ट है, हिंदी कविता में दुष्यंत कुमार के समकालीन कवि कौन है? तो उनके जो समकालीन कवि थे वो प्रयोगवाद के ही सभी कवि, मुख्य जो कवि थे वही उनके समकालीन थे, मतलब जैसे कि अज्ञेय, मुक्तिबोध, शमशेर, जो कि प्रयोगवाद के बहुत ही मुख्य कवि माने जाते हैं, उन्हीं के समकालीन जो थे दुष्यंत कुमार जी भी थे। यानी कि इस हिसाब से भी कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जो थे वो प्रयोगवाद से संबंधित कवि थे। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार की कर्मस्थली कौन सा प्रदेश है? तो दुष्यंत कुमार की कर्मस्थली जो है वो है मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो दुष्यंत कुमार जी हैं इन्होंने अपने काव्य के द्वारा अपनी जो रचनाएं हैं उनके माध्यम से ये एक बहुत ही अच्छी, जिसे कहना चाहिए, एक साहित्य को एक देन दी है जिसका साहित्य में हमेशा से ही स्वागत रहा है, और इनकी काव्य कृतियों को बहुत याद भी किया जाता है। खासकर जो इनकी एक रचना है एक कंठ विषपाई, जो कि बहुत अधिक फेमस हुई थी, और इसकी के लिए जो कि एक काव्यात्मक नाटक है, ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि जो उनकी रचना है उसकी विधा क्या है।
तो इस प्रकार से इनका जो भी कार्य है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन देख कह रहा है कि कर्मस्थली कौन सा प्रदेश, मध्य प्रदेश में जैसे इन्होंने अपना कार्य किया, और लेकिन इनका जो रचना जो शुरू की थी वो साहित्यिक जीवन जो इन्होंने शुरू किया था वो इलाहाबाद से ही शुरू किया था, जो कि बाद में मध्य प्रदेश में जाकर ये बस गए थे और वहीं से इन्होंने अपना कार्य किया। और इन्होंने हर तरह की विधाओं में कार्य किया, जैसे कि नाटक, कविताएं, गज़ल और लघु कहानियां। साथ ही इन्होंने जो है आकाशवाणी और राज्यसभा खंड में भी इन्होंने कार्य किया। इस प्रकार से उदयमान कवियों की संपूर्ण पीढ़ी के लिए उनका जो काव्य है वो एक प्रेरणा बन गया है। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे।